कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने हसन रजा को बॉल्स में तब्दीली के बयान पर आड़े हाथों ले लिया। गुज़िश्ता रोज मकामी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साबिक क्रिकेटर हसन रजा ने भारतीय बॉलर्स पर इल्जाम आयद किया था कि ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ गेंद फराम कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें ज्यादा स्विंग और सीम मिल रही है, जबकि दीगर टीमें ऐसा करने में नाकाम है। हसन रजा ने मजीद कहा था कि भारतीय बॉलर्स को फराम की गई बॉल्स का बल्लेबाजों को मुआयना करना चाहिए। हसन रजा के तबसरे पर साबिक कप्तान वसीम अकरम ने इन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप ऐसे बयान देकर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं और साथ ही हमारी भी। वसीम अकरम का कहना है कि कोई डिवाइस के जरिए गेंद कैसे स्विंग कर सकता है। इन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि बाकी टीमों की गेंद स्विंग नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय बॉलर्स ने कुछ सीखा हो, वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, इन्हें सराहा जाना चाहिए। वाजह रहे कि भारतीय स्पिनर्स ने 7 मैचों में 18.57 की औसत से 45 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा 7 मैचों में 50 विकेटें ली हैं।